अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। लंगर हाउस बापू नगर के रहने वाले लक्ष्मी नारायण नामी शख्स जो जय श्री राम एजेंसी के नाम पर एक स्नैक्स की एजेंसी चला रहा था, लक्ष्मी नारायण ने हल्दीराम के एक्सपायर प्रोडक्ट को बाजार से इकट्ठा किया और एक्सपायर डेट को थिनर से मिटाकर नई डेट डालकर ये बेच रहा था। इसकी इत्तला जैसे ही लंगर हाउस पुलिस को मिली, पुलिस ने इसकी एजेंसी पे रेड करते हुए सभी एक्सपायर प्रोडक्ट को जब्त कर लिया और एक केस रजिस्टर करते हुए इसे अदालती तहवील में दे दिया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की रिपोर्ट। बादाम सत्रह आइटम एक्सपायर डेट होने के बाद ये जो लक्ष्मी नारायण का नाम का आदमी है 10 साल से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये प्रोडक्ट्स के, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स के। ये आदमी मतलब अभी तो वेरीफाई करना है, कई दुकानों से इकट्ठा करके ये एक्सपायर माल पूरा उस पर जो डेट है उसको ऐसा जो कंपनी का एक्सपायरी डेट है ये एक्सपायरी डेट अरेंज करके एकदम ऐसा क्लीन करके उसको केमिकल से मैक्सी क्लीन थिनर एक केमिकल से क्लीन करके उसे उसके ऊपर फिर एक नया डेट मतलब 2018, 2019 और 2020 तो जितने भी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है वो पूरे इकट्ठा करके उस पर जो कंपनी का इस पर स्टैम्प है एक्सपायरी डेट से वो सब एरेज करने के बाद निकालने के बाद एक केमिकल से नया डेट मतलब जुलाई 2021 ये डेट उसमें प्रिंट करके एक्सपायरी डेट प्रिंट करके ये फिर मार्केट में ये सप्लाई करने की ये प्रोसेस में हम इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस रेड करके ये पूरा मटेरियल सीज करे और एक्यूज लक्ष्मी नारायण को अरेस्ट करे। इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोन पापड़ी ये सब खोल के देखने के बाद इसमें पूरा फंगस इस तरह के पूरे ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड आइटम्स है ये, मतलब बच्चे और कोई बड़े लोग इसमें अगर से खाने के बाद हो तो जरूर बीमारी होगा उनको, कहीं नहीं बोल सकते क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर से ज़्यादा हुआ तो खतरनाक भी हो सकता है, आदमी मर भी सकता है। तो इस तरह के मतलब जो भी आदमी करता है ये हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये लक्ष्मी नारायण को आज अरेस्ट करके रिमांड को लिया है। लक्ष्मी नारायण सब डीलर है, मतलब अकेले काम करते थे? हाँ मालूम हुआ है अकेला, अभी इन्फॉर्मेशन अभी निकालेंगे तो नहीं मालूम कितने लोग और कर रहे हैं इस तरह। कब से कर रहा साहब ये? 10 साल से तो सब डीलर है, ये तो मिला तो अभी ना, ये तो बोल रहा है कि अभी कर रहा हूँ लेकिन पहले भी कर चुका होगा जरूर। टोटली कितना डिस्ट्रीब्यूशन भी किया होगा मार्केट में? कौन से शॉप्स पे माल अभी वेरीफाई कर फंगस है? अभी वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें क्या है जो दुकानदार है दुकान का मालिक है वो कई एक्सपायर होने के बाद भी ये इस तरह का प्रोडक्ट है इस तरह के लोगों को बेच रहे लग रहा हो, तो इस तरह के लोग पूरा इकट्ठा करके फिर ये बदमाशी कर रहे लोग, ये क्राइम है सर टोटली। अभी क्योंकि हेल्थ इसमें पूरा लोगों का इफेक्ट होता तो इसमें दुकानदारों का भी हमारा यही राय है कि अगर से प्रोडक्ट एक्सपायर होने के बाद ये किसी के हाथ नहीं देना, वो खुद डिस्ट्रॉय करना एक्सपायर होने के बाद, या नहीं तो कंपनी हल्दीराम है कंपनी को वापस करना, वो लोग पूरा इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करते। लेकिन इस तरह मार्केट में बेच के फिर इस पर पैसा पागर से बनाने की कोई कोशिश कर रहा तो गैर कानूनी है, उनको सलाह मिलेगा जरूर अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। सर अभी टोटली कितने प्रोडक्ट्स की टीम की तरफ से हुआ? इन्फॉर्मेशन तो हमारे को आया इन्फॉर्मेशन तो हम लंगर हाउस पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन देके वहाँ से उनसे करवाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर 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 Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up
10. Some people dream of success. Others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की. 7H News. पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले. 7H News.